दोस्तों, इस यूनिवर्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास साइंस में कई सारी थ्योरीज हैं, जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स, रिलेटिविटी, स्ट्रिंग थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग और ऐसी ही कई सारी थ्योरीज हैं। लेकिन उन थ्योरी में से एक है थर्मोडायनेमिक्स, जिसने कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे से हमारे यूनिवर्स को डिफाइन किया है। थर्मोडायनेमिक्स में मेनली हम हीट की स्टडी करते हैं कि कैसे हीट काम करती है, कैसे हीट का फ्लो होता है, कैसे थर्मल एनर्जी वर्क करती है, कैसे सारी प्रोसेस होती हैं, कैसे यूनिवर्स की एनर्जी काम करती है, कैसे एंट्रोपी लगातार बढ़ती रहती है। इसी के साथ साथ थर्मोडायनेमिक्स ने हमको ये भी बताया कि इस यूनिवर्स में बिना हीट के कोई प्रोसेस हो ही नहीं सकती, और जिस दिन यूनिवर्स की सारी हीट खत्म हो जाएगी उस दिन हमारे यूनिवर्स का भी एंड हो जाएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स मेनली ये कहती है कि अगर आप इस ब्रह्मांड को समझना चाहते हो तो उसके लिए आपको हीट को, थर्मल एनर्जी को और इंटरनल एनर्जी को काफ़ी अच्छे से समझना होगा, और हीट को समझने के लिए आपको टेम्परेचर को समझना होगा। लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं कि टेम्परेचर एक रिलेटिव क्वांटिटी है, मतलब खाली एक चीज़ को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि वो चीज़ गर्म है या फिर ठंडी। किसी चीज़ का टेम्परेचर बताने के लिए हमको दो चीज़ों का कंपेरिजन करना होता है। जैसे आपके गैस पर रखा हुआ एक कुकर गैस की फ्लेम से ठंडा है, लेकिन वही कुकर एक आइस क्यूब से गर्म है। तो मतलब टेम्परेचर को मेजर करना, उसके बारे में पता लगाना, ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है। लेकिन असल में टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर को हम अपनी रियल लाइफ में क्या कहेंगे, अभी तक हमने ये जाना कि हम टेम्परेचर को कैसे मेजर करेंगे, तो इस सब को तो हम सब अपने बचपन में पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर कुछ नहीं बल्कि ये रिप्रेजेंट करता है कि एटम और मॉलिक्यूल्स किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितना तेजी से मूव कर रहे हैं, और प्रिसाइजली कि उनके पास कितनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। मतलब जितना ज़्यादा एटम के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, जितना तेज वो किसी सब्सटेंस के अंदर वाइब्रेट कर रहे होंगे या फिर मूव कर रहे होंगे, उतना ही ज़्यादा उनका टेम्परेचर होगा। इसके लिए आप कोई तेज़ी से आ रही बॉल को अपने हाथों से कैच कीजिए तो आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी का एहसास होगा। बिल्कुल इसी तरह से टाइनी लेवल पर मिलियंस ऑफ मिलियन बॉल मूव करती रहती हैं, जिनके कारण हमको टेम्परेचर का एहसास होता है। जब आपकी स्किन से कोई फास्ट मूविंग एटम टकराते हैं तो आपको ज़्यादा टेम्परेचर फील होता है, लेकिन जब कम वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन या फिर एटम आपकी स्किन से टकराते हैं तो आपको पहले के कंपैरिजन में कम टेम्परेचर फील होता है। ऐसे ही जब एक गर्म और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं तो गर्म ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी यानी कि उसके फास्ट मूविंग एटम कोल्ड ऑब्जेक्ट के एटम को एक्साइट करते हैं और इससे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो इस प्रकार से हीट एक हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है और फिर सारी प्रोसेसेस हो पाती हैं, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट गर्म है तो वो अपनी सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में आना चाहता है, एक टेम्परेचर को अचीव करना चाहता है। और बिल्कुल इसी प्रकार से हमारा यूनिवर्स भी काम करता है। हमारे यूनिवर्स का भी अल्टीमेट एम यही है कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, और अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में आने के लिए वो वर्क करता है, लाइक यूनिवर्स में हो रही सारी प्रोसेस करता है, एक्सपेंशन करता है, न्यू गैलेक्सीज के फॉर्मेशन करता है, डिस्ट्रक्शन करता है और तमाम प्रोसेसेस करता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो थर्मोडायनेमिक्स हमारे यूनिवर्स को काफ़ी अच्छे से डिफाइन करती है। बट थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम किसी और वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे, अभी हमने ये जान लिया कि टेम्परेचर क्या होता है और ये कैसे काम करता है, क्योंकि आज के हमारे टॉपिक को समझने के लिए उसको समझना इम्पॉर्टेंट था। हमारा आज का टॉपिक क्या है उसके बारे में भी हम पूरा डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि साइंस पूरी जीरो से भरी हुई है। मतलब हमारी साइंस में कई सारे जीरोस होते हैं, जैसे कि लाइट के पास जीरो मास होता है, न्यूट्रॉन के पास जीरो चार्ज होता है, मैथमेटिकल पॉइंट के पास जीरो लेंथ होती है। इन सब चीज़ों का एक ही सिमिलर लॉजिक है, ये सब किसी न किसी चीज़ की कमी को दर्शाती हैं, जैसे कि मास, इलेक्ट्रिक चार्ज और डिस्टेंस की कमी। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास है एब्सोल्यूट जीरो। अभी एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको हम जानेंगे। तो जैसे जैसे आप किसी सब्सटेंस में से हीट को रिमूव करते हो तो उसका टेम्परेचर कम होने लगता है, उस सब्सटेंस के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो धीमे धीमे मूव करने लगते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप कंटिन्यूसली हीट को उस सब्सटेंस में से रिमूव करते रहो, तो थ्योरेटिकली जब आप कंटिन्यूसली हीट को हटाते रहोगे तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहाँ पर हीट मौजूद ही नहीं रहेगी, जहाँ पर पार्टिकल्स का मोशन ऑलमोस्ट रुक जाएगा, पार्टिकल्स एटम्स बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे, और जिस टेम्परेचर पर ऐसा होगा उस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, और ये इस ब्रह्मांड का सबसे लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। पूरे ब्रह्मांड में इससे कम टेम्परेचर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ पर सारी प्रोसेसेस रुक जाती हैं। आप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को ऐसे समझ सकते हो कि एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर मॉलिक्यूल्स कम्प्लीटली फ्रीज हो जाते हैं,
जम जाते हैं जहाँ पर कोई भी मोशन नहीं होता। लेकिन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को हम अभी तक अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि हम एक ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जहाँ पर सभी चीज़ें एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के अवब हैं। इवन इफ अगर हम कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट भी करते हैं जो कि एब्सोल्यूट जीरो पर भी हो, यानी कि उसके काफ़ी क्लोज हो, आई मीन 0.1% से भी कम एरर हो, देन तब भी उस सब्सटेंस में थोड़ा सा एटॉमिक मोशन हमेशा रहेगा। क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट के कारण किसी भी एटम के मोशन को रोकना क्वांटम मैकेनिक्स में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो मतलब हम एब्सोल्यूट जीरो को ऐसा टेम्परेचर मान सकते हैं जहाँ पर पार्टिकल्स का मोशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को स्लो नहीं किया जा सकता, सो उससे कम इस यूनिवर्स में टेम्परेचर भी नहीं हो सकता। एब्सोल्यूट जीरो को एक फ्रेंच इन्वेंटर गिलियम एमिंटेंस ने डिस्कवर किया था, जो कि अपने सुनने की शक्ति बचपन में ही खो चुके थे और ना ही वो कभी कॉलेज गए। उनके एक्सपेरिमेंट्स ने यह साबित किया कि एयर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उन्होंने इस बात से अंदाजा लगाया कि यहाँ पर जरूर एक मिनिमम टेम्परेचर होगा जहाँ पर प्रेशर एकदम से ड्रॉप होकर जीरो हो जाए, यानी कि नथिंगनेस में बदल जाए। उन्होंने इस टेम्परेचर का एस्टिमेशन भी किया, जो कि निकल कर आया -240°C, और ये एक्चुअल वैल्यू के काफ़ी करीब। इसके बाद लॉर्ड केल्विन ने भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल पर काफी ज्यादा वर्क किया, और उनका एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल आज भी सभी जगहों पर यूज किया जाता है, जिसको हम कहते हैं केल्विन स्केल। और केल्विन स्केल के अनुसार एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू होती है 0 केल्विन, जिसको अगर हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो वो होगा -273.15°C, और फ़ारेनहाइट में होगा -459.67°F। जो एनर्जी बिग बैंग एक्सपेंशन के बाद से बची है, वो एनर्जी हमारे पूरे यूनिवर्स को गर्म रखती है, हमेशा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर रखती है। स्पेस का एवरेज टेम्परेचर है 2.74 केल्विन, यानी कि -454.7°F। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि कुछ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एम्प्टी स्पेस से भी ज़्यादा ठंडे होते हैं, जिनको हम यूनिवर्स का रेफ्रिजरेटर मान सकते हैं, जिनमें से एक है बूमरैंग नेबुला, जिसका टेम्परेचर है अराउंड 0 केल्विन, और ये पूरे कॉस्मोस की सबसे ठंडी जगह मानी जाती है। बट यहाँ पृथ्वी पर भी हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए एब्सोल्यूट जीरो के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं। अब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हम अचीव करना क्यों चाहते हैं, वो इसलिए क्योंकि अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर पर एटम्स के पास काफ़ी फैसिनेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनफैक्ट कुछ सर्टेन केसेस में तो एटम अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी लूज़ कर देते हैं और एक अलग स्टेट ऑफ मैटर में चले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर हम कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन भी कर सकते हैं जिनको नॉर्मल टेम्परेचर पर करना हमारे लिए इम्पॉसिबल होता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर पर हम एक्चुअल में एटम्स और मॉलिक्यूल के वेव नेचर को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। यही नहीं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के और भी कई सारे एप्लीकेशंस हैं। बट चलिए मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की ओर लेकर जाता हूँ। जिस तरह एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है, क्या उसी तरह एब्सोल्यूट हॉट टेम्परेचर भी होता है? तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो थ्योरेटिकली किसी भी सिस्टम में अमाउंट ऑफ एनर्जी डालने की कोई भी लिमिट नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई भी थ्योरेटिकल लिमिट नहीं है कि हम किसी सब्सटेंस को कितना हीट कर सकते हैं। यानी कि आप किसी भी सब्सटेंस को लगातार गर्म कर सकते हो, लेकिन जब भी आप किसी भी चीज़ को हीट करते हो तो वो सब्सटेंस या फिर वो सिस्टम रेडिएशन इमिट करता है, और जैसे जैसे आप सिस्टम को हीट करते हो तो उस रेडिएशन की वेवलेंथ कम होती जाती है। जितना ज़्यादा आप मटेरियल को हीट करोगे, उससे आने वाली रेडिएशन की वेवलेंथ कम होती जाएगी। अब अगर आप साइंस में थोड़ा इंटरेस्टेड हो तो अब आप समझ गए होंगे कि ये चीज़ कहाँ पर जा रही है। देखिए, जब भी आप किसी भी चीज़ को गर्म करते हो तो रेडिएशन रिलीज होती है, रेडिएशन हीट से जुड़ी हुई है और रेडिएशन वेवलेंथ से भी रिलेटेड है। जितना ऑब्जेक्ट गर्म होगा उतनी ही शॉर्टर वेवलेंथ वो इमिट करेगा। तो जब आप किसी भी सब्सटेंस को लगातार हीट करते जाओगे इतना कि उसकी वेवलेंथ मिनिमम लेंथ स्केल पर पहुंच जाए, तब हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट इससे ज़्यादा गर्म नहीं हो सकता। अब उस रेडिएशन से मिनिमम वेवलेंथ हो ही नहीं सकती। तो आई नो कई सारे लोगों को इसका आंसर मालूम होगा, इस यूनिवर्स की मिनिमम लेंथ कितनी होती है? प्लैंक लेंथ, जिसकी वैल्यू है 1.6×10^-35 meters। इस लेंथ से कम लेंथ होना यूनिवर्स में पॉसिबल ही नहीं है। तो आई थिंक आपको इसका जवाब मिल गया होगा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कब तक गर्म कर सकते हैं, जब तक वो ऑब्जेक्ट प्लैंक लेंथ के बराबर वेवलेंथ को इमिट ना करने लगे। अब हमको नहीं पता उस टेम्परेचर के बाद क्या होगा। अगर आप थोड़ी मैथमेटिक्स करके उस टेम्परेचर को निकालने की कोशिश करो जहां पर रेडिएशन की वैल्यू प्लैंक लेंथ के बराबर होगी, तो वो टेम्परेचर निकल कर आएगा 1.4×10^32 केल्विन, और इस वैल्यू को हम कहते हैं प्लैंक्स टेम्परेचर।
मतलब इससे ज्यादा टेम्परेचर होना पॉसिबल नहीं है, और हमारे पास कोई भी मैथमेटिक्स नहीं है जो इस बात को डिस्क्राइब करे कि इसके बाद अगर आप उस ऑब्जेक्ट में और एनर्जी ऐड करोगे तो उसके बाद क्या होगा, बियॉन्ड प्लैंक टेम्परेचर क्या होगा। हमारी कोई भी थ्योरी और मैथमेटिक्स इसके बियॉन्ड कल्पना भी नहीं कर सकती। इनफैक्ट हमारा स्टैंडर्ड मॉडल तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, और वैसे भी ये टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट अभी तक हम कोई भी ऐसा नेचुरल फिनोमेना नहीं जानते जो कि इस टेम्परेचर के इवन क्लोज हो, और पॉसिबली ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट जिसके पास प्लैंक टेम्परेचर अचीव कराने लायक एनर्जी हो वो प्लैंक टेम्परेचर अचीव करने से पहले ही ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता हो। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि प्लैंक टेम्परेचर इनसाइड ऑफ द ब्लैक होल हो या फिर किसी और ही यूनिवर्स में हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है। इतने हाई टेम्परेचर के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इतने हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, एटम्स के अंदर क्या होगा, आई थिंक हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो फिलहाल आप बताइए इतने हाई टेम्परेचर पर एटम के साथ क्या होगा, इसको कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने एब्सोल्यूट जीरो और एब्सोल्यूट हॉट के बारे में जाना। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएं।